श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग 14वें अध्याय में श्लोक 5 से 19 तक तीनों गुणों का स्वरूप, उनके कार्य, उनका बंधन स्वरूप और बंधे हुए मनुष्य की उत्तम, मध्यम आदि गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। श्लोक 19 तथा 20 में उन गुणों से रहित होकर भगवत भाव को पाने का उपाय और फल बताया। फिर अर्जुन के पूछने से 22वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरण का वर्णन किया। 26वें श्लोक में सगुण परमेश्वर को अनन्य भक्ति योग तथा गुणातीत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनने का सरल उपाय बताया। अब वह भक्ति योग रूप अनन्य प्रेम उत्पन्न करने के उद्देश्य से सगुण परमेश्वर के गुण, प्रभाव और स्वरूप का तथा गुणातीत होने में मुख्य साधन वैराग्य और भगवत शरण का वर्णन करने के लिए 15वां अध्याय शुरू करते हैं। इसमें प्रथम संसार से वैराग्य पैदा करने हेतु भगवान 3 श्लोक द्वारा वृक्ष के रूप में संसार का वर्णन करके वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट डालने को कहते हैं। अथ पंचदशो अध्याय। श्री भगवान वाच ऊर्ध्व मूल मदा शाकमश्वत्थम प्राहुर्व्ययम् छंदांसी अस्य पर्णानि अस्तम वेद स वेदवित। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई और विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्यलोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूप मस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेणं सुविरुढ्मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा तथा पदम तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथ प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निदिध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संजय, अर्गछंत्य मूढ़ा, पद्मव्ययम तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुहक नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आते उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है न चंद्रमा और अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। वायुगंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जाणं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति जान चक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानीजन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं
यतंतोप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतस। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम, यच्चंद्रमसी यच्चाग्नो तत्तेजो विद्यमामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, पुष्नामि चौषधीय सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रसस्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रित, प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थिर रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वर। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है तथा अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् क्षरमति तो हम क्षरादपि चोत्तमः, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम स सर्विद भजति मां सर्वभावेण भारत। भारत, जो ध्यानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानग एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्कृत कृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अतिरहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत् सुब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद्गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ।